सब अच्छे पेन के सर सबसे सारे के सारे बढ़िया बने होंगे तो हम बना देंगे तुम्हें बढ़िया। सो फाइनली आ चुके हैं हम लोग एक और एक्शन के साथ वापस एंड हैव यू गोना रिएक्ट टू एमसी स्टैन ट्रिपिन एंड भाई ट्रिपिन अरे यार आ गया एंड इतना सजेशन आए ना इसके लिए अपने को मतलब डिलीटेड सॉन्ग्स तो आए हैं पर ट्रिपिन के लिए तो बहुत सारे मतलब अपने पास सजेशन थे हर जगह कमेंट्स में दिख रहा था। एंड अगर तुम एमसी स्टैन फैन हो और अगर तुमने अब तक सीरीज फॉलो नहीं किए तो हमने सारे गाने कवर अप कर चुके हैं जाके नीचे देख लेना अभी हम लोग डिलीटेड सॉन्ग्स में। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट टू द सॉन्ग। सॉन्ग का नाम है ट्रिपिन एंड आई थिंक सो ट्रिपिन मीन्स आई थिंक तीन जने साथ में गए ऐसा ही कुछ हो तीन जने साथ में मेरे ख्याल से ट्रिपिन ट्रिपिन मीन्स लाइक जो मजे में रहते हैं जैसे नशे वशे के बाद लाइक थोड़ा ट्रिप में आ जाते हैं एंड मजे करते हैं लाइक उसका हो सकता है। अभी देखते हैं अपन गेस नहीं करते हैं गाने में घुसते देखते हैं अंदर क्या है। ओ दे स्टार्टेड विथ लाइक अ ड्रम टाइप चीज जो पता है अपन फाइट अनाउंसमेंट ऑफ फाइट वाइट होने वाली होती है कुछ ऐसे होती ना तो उसमें लाइक ये बजाया जाता है तो मेरे को लगता है अभी कुछ कुछ होने वाला है घोर कलयुग जैसा। आ जाओ आ जाओ वो MCTHC है क्या किंग इन 07 ओके आशिकी 2 एक जना सो रहा है क्या चल रहा है भाई वीडियो में पीटाउन देवी वहां पे हिप हॉप नहीं था जहां पे सिर्फ मादी गुने गाड़ी गिरी चली थी यहां पे तंग हो चुका था भंग हो के 90s में खो चुका था टूपाक के सपनों में अपनों में नहीं रहता था मैं। ओ भाई फ्लो कैसा है टूपाक के सपनों में अपनों में एंड ये बोला कि भाई जहाँ पे मैं पैदा हुआ जहाँ पे हिप हॉप नहीं था वहाँ पे एंड मैं बस अपने में रहता था टूपाक के गाने सुनता था एंड अपनों लाइक समथिंग लाइक दैट। आ जाओ उन्हें गाड़ी गिरी चली थी यहाँ पे तंग हो चुका था भंग हो के 90s में खो चुका था टूपाक के सपनों में अपनों में नहीं रहता था मैं ज्यादा गैर मुझे पसंद थे क्योंकि मुझे दिया अपनों ने ही धोखा था ठोका समझे हाँ अपनों ने मुझे धोखा दिया इसलिए मैं अपनों के साथ ज्यादा नहीं रहता था टूपाक के सपनों में ही रहता था और मैं दूसरों के साथ गहरों के साथ ज्यादा प्रेफर रहना करता था और हाँ। अपनों के साथ नहीं रहना पसंद करता था क्योंकि ये बोलता है कि हाँ होमीज ही दगाबाज होते हैं ऐसा। पर मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है कि ये होमीज को डिस भी कर रहा है और साथ ही साथ अपने होमीज के साथ गाना भी बना रहा है मतलब या तो ऐसा बोलना चाहते कि कुछ कुछ होमी सांप निकलते हैं मेरे निकलते पर जो रियल वन से वो हमेशा मेरे साथ रहते करके हर एक बात करने से हिप हॉप मुझे करने से ले झंडू सर पे तू रगड़ अगर घाटी सोच रखेगा तेरे सर पे दगड़ पुणे तेरा ऐसा प्लेस यहाँ सबको लवर हर एक गली में फकर हर एक गली में गंजड़ी हर एक गली में आशिकी टू चल रही लाइक यहाँ पे हर एक बंदा लवर है किसी किसी चीज का कोई रैपिंग का कोई गंजे गांजा पीने का कोई आशिकी टू चला रहा है अपनी ओके हर गली में फकर हर गली में गंजड़ी हर गली में आशिकी टू चल रही मुझे देख के लग गया था पता है वो बच्चा था ना उसने आशिकी टू की टी शर्ट पहनी नहीं होगी उसको पहना के उसको उसने ऐसे लगाया होगा भाई यार सही है भाई सही है देख कर बदल गया सब कुछ जरा चेक कर ऊपर से नीचे और ड्रेसिंग से लेकर एक गाना ड्रॉप किया मिलने लगे नेबर्स चलने लगे चाची चाची चलने लगे नेबर्स। मैंने तुम्हें बोला था ना कि एक गाना इसने ड्रॉप किया था और मिलने लगे लेबल्स पर पता है मेरे को ऐसा लगता था कि वट्टा इसने ड्रॉप किया ना उसके बाद इसको ऐसे लेबल्स मिलने लगे पर ये तो बोल रहा है ये तो पुराना गाना है उससे मेरे ख्याल से ऐसा सीन है तो ये तभी भी बोल रहा है कि मेरे को तभी भी गाना ड्रॉप किया और मिलने लगे लेबल्स तो यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई यार ओके चलने लगे नेबर्स चलने लगे चाची चाची चलने लगे नेबर्स और नेबर्स की वजह से लगते मेरे लौड़े कुछ नहीं करते फिर भी छाती करते चौड़े एक नहीं दो नहीं सौ सौ इनके नौरे मुझे जुड़ा स्वैग वाले क्या करूँ आदत सी हो गई मेरे दिख सौने क्या करूँ फेक नहीं बच सकता सौने तू हुआ कुछी भाई खच्ची दिख सौने हाँ सक्सेस जैसे जैसे काम तो कोई आता नहीं है जब सक्सेस होने लगता है तो दूसरे झलने लग जाते हैं नेबर्स भी इसके चाचा रिलेटिव्स भी वही बता रहा है ना रियलिटी भी लाइफ में यही है सब कुछ हाँ। वो बहुत ऐसे डीप थिंकिंग करके बोलता है हर चीज और बोलता मजे में ताकि तुम दिल से ले लो ठीक है इंग्लिश में रैप कर रहे हैं देख तीन जन है ना आई थिंक वही है ट्रिपिन हो सकता है या और लाइक इसकी टीम होती है वर्ड प्ले भी हो सकता है यहाँ तो दोनों का मतलब एक ही हो रहा है यहाँ पे कि वो लोग मजे में भी है और तीन लोग भी है वो डांस कर रहा है उसको रखा ही इसलिए कि भाई तू मजे कर यार तू वीडियो में लेके आता देखो मजे कर यार fuck
वी जंप इन वी पॉप इन लाइक समथिंग, हम लोग मजे भी कर रहे हैं, हम जंप कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, ओके Stop talking, I high as fuck. With bitch standing on the top. Truck so long, my nigga grew some dreadlocks. I just fucking bitch with some Gucci flip flops and gears too. Where them dirty Adidas. ये नहीं समझूंगा भाई, मैं ये नहीं समझूंगा. Gears too. Where them dirty power guns. Yeah. A homie down the street, team stop. Don't smoke all that shit. I got a bomb. My nigga got lit, and he crushed this shit. Took a long deep breath and took a jumbo in. We were running out of papers and the bomb just slipped in the trip. Nigga got scared of death and not shit. Shit. Hare, DC bhai, thanda lo bhai zara. मैं यही बोलने वाला था, वो अपने ही ब्लॉग में बोले ही जा रहा है भाई, वो रुक ही नहीं रहा. लाइक समथिंग लाइक उसने बोला, मैंने सुना कि समथिंग लाइक मैं इतना बड़ा जंप मारता हूँ कि आई एम ऑन द टॉप समथिंग, ऐसा कुछ ना कुछ बोल रहा था वो. आ जाओ एक बार. डोंट स्मोक दैट शिट, आई गॉट अ बॉन्ग, समथिंग लाइक उसने ऐसे बोला कि सस्ता माल नहीं फूको, आई गॉट अ बॉन्ग समथिंग. ओके माय निगा गाले एनी क्वाज दिस शिट, टुक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड टुक अ जंबो इन, वी वर रनिंग आउट ऑफ पेपर्स एंड द बॉम्ब जस्ट स्लिप्ड इन द ट्रैप, निगा गॉट स्केयर्ड एंड डेड एंड नाउ निगा गेट स्केयर्ड एंड डेड. अरे मतलब हमारे खौफ को देख के वो जो सामने वाला रिवाइवल्स है लाइक समथिंग लाइक कि वो डर गए और स्केयर्ड हो गए समथिंग एंड डेड हो गए. ठंडा लो भाई जरा. ये भाई बात हो गया कि ये एक पता है मैंने ऐसा मीम देखा था, एकदम निगाह के ना ऐसे मतलब ऐसे बोलते हैं ट्राई नॉट टू लाफ ऐसे करके स्माइल देता है और अपन लोग देख के उसको हंसी आई जाती है और ये सेम ऐसा वही पे यही किया है. पुणे तेरा पता है मैंने तुमको सॉन्ग में पढ़ाया था, तो पुणे तेरा से आया मैं मतलब ये कुछ गली स्ट्रीट की बात कर रहे हैं. धीरे धीरे बढ़ता मैं मेरी जिंदगी से लड़ता मैं, पढ़ाई मेरी दुश्मन और जिंदगी मेरी रैपिंग बस्ता सबसे हटकर लाइक सीढ़ी धीरे धीरे करके चढ़ता मैं. ओके सक्सेस कर रहा हूँ धीरे धीरे और मेरी पढ़ाई से ज्यादा मुझे रैपिंग ही पसंद है. तभी तो पब्लिक क्लैपिंग, हर वक्त मेरी सोच क्यों ऐसे बदलती है, मेरी सोच की वजह से मुझसे पूरी दुनिया जलती है, अब इसमें क्या मेरी गलती है, मेरी सोच थोड़ी भलती है, सुर ना ताल ना आवाज मेरी भलती मतलब कुछ हटके सोच है मेरी, उस वजह से मेरी मतलब कुछ पब्लिक मुझसे जलती है, उसमें मेरी क्या गलती है. ओके राइम्स खेल रहा है बंदा. पूरी दुनिया जलती है, अब इसमें क्या मेरी गलती है, मेरी सोच थोड़ी भलती है, सुर ना ताल ना आवाज मेरी खास, फिर भी सबके दिल के पास, सुनने वाले सुनते मुझको, लिखता हूँ मैं मन से असली खून के रंग से, जो नहीं सुनना चाहता वो है मेरे से. ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि हाँ इसने ऐसा खुद नहीं बोल दिया कि मेरे आवाज में सुर ना ताल है, फिर भी पब्लिक मरती है मुझ पे, क्योंकि मैं उनके दिल के पास वाली बातें कर देता हूँ, करता हूँ राइट. प्योर करता है ना बिल्कुल, नॉर्मल पब्लिक को भी समझ में ऐसा, इतना अच्छा वर्डिंग्स भी सिंपल एंड सोबर. नहीं नॉर्मल पब्लिक को समझ में ऐसा नहीं है भाई, मतलब हम जैसे एक बार तुम समझ गए ना, अभी तुम समझ रहे हो, क्योंकि उस टाइम में ये अभी जो स्टाइल खेल रहा है ना वो नहीं खेल रहा था उस टाइम, बार्स पे बार्स खेल रहा था. बट अभी जो करता है उसमें कैसा सीन है पता है, तुमको नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया, समझ में आ गया तो तुम उससे नशे से बाहर नहीं आ सकते, ऐसा सीन कर दिया इसने. सुन 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 मेरी बहन तू बनता है भाई, खवाट आइटम को भी तू भूल नहीं पाए, जिसने लौड़े लगाए देखो रस्ते पे लाए, तेरा पैसा तो छोड़ तेरा भेजा भी खाए, तब पे करके फ्राई मीठा. मेरे को लगता है किसी होमी की बात कर रहा है यहाँ पे. हाँ हाँ कि तू जिस पे विश्वास करता है वो तेरे से पैसे भी, तेरा पैसा भी खाए, तेरे को रस्ते पे लाए, समझे. ओके सो लड़की की बात भी हो सकती है कि शायद दिखती रस मलाई पर कोई भांसी ऐसा कुछ कुछ ऐसा कुछ है. स्टारबक्स की कॉफी है, टपरी की चाय, तूला समझत का ना, तेरे पीछे है सांप और आगे है खाए, सिर सीता मेरा के सांपों से लड़ाई पार करी घेरी खाई, जैसे सीढ़ी की चढ़ाई. ओके सो आगे तेरे सांप है, सांप है पीछे खाई. हाँ तो समथिंग लाइक सांप है आगे खाई है, नहीं हाँ. आगे सांप है पीछे खाई, तो पीछे जाएगा तो तू डर गया, तू रैपिंग सीन में कुछ नहीं कर पाया, तो सांप को तेरे को रोंद के ही आगे जाना पड़ेगा, समथिंग लाइक ऐसा. और बोलते ना कि तू दोस्तों को छोड़ता है तो वही बोल रहे कि मैं स्नेक्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ाऊं. अच्छा बहुत डीप है भाई. स्नेक सॉन्ग था हिप हॉप मेरा मेजर में उसका सिपाही. ओके सिपाही MC Stan MC THC in the motherfucker now rapping that beat rapping Pune East side motherfucker sarang sarang
सड़क सड़क पे उसने उसको खिसका के चालू किया जबरदस्त। इसका फ्लो देखिए पूरा भाई, बाहर के स्टाइल को ले लिया अंदर भाई कि हाँ भाई अभी मैं बोलूंगा। कितना भी बड़ा रैपर हो ना, MCTSC को देख के तो डर ही जाए। बोले उस टाइम में ऐसा फ्लो लेके गाना, मतलब ना करते थे मोस्ट ऑफ द रैपर्स ने इंग्लिश फ्लो से ही चालू किया था, बट दे बी लाइक कि भाई पहले थोड़ा हल्का हल्का चालू किया ऐसे करके, ये तो सीधा मतलब भाई निगा वेगा ये वो चालू पड़ा है। THC in the motherfucker now is rapping that beat, rapping Pune East Side motherfucker. Sarak sarak ka, fake bun bado piece. Bado eda. Eda banu. मतलब कुछ भी लास्ट में येड़ा बनू समथिंग लाइक, मेरे को ऐसा डायरेक्टेड बाय होमीज, क्रेडिट भी नहीं भाई घर के बंदे भाई, येड़ा बनू लाइक समथिंग ऐसा हो सकता है कि मतलब अपने लेवल पे आऊंगा समथिंग लाइक करके, मतलब पागलों जैसे रैप करूंगा कुछ भी ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से। बाकी डीप स्लैंग्स में तुम कैसे मानते हो मेरे को उतना नहीं पता है, बट समथिंग लाइक वैसा ही था। मजा आया, मजा ऐसे गाने सुनने में चिल वाइब्स आ जाती नहीं, पूरा दिन बन जाते हैं। मतलब ऐसे स्ट्रेस में हो तो तुम इसके गाने सुन लो भाई, कुछ अलग ही दुनिया में ले जाएगा। तो कौन सा बेस्ट लगा आपको, सबसे पहले वाला बेस्ट लगा दूसरा तो कितनी बता? लेवल से अच्छे हैं सब, अपने अपने हिसाब से इसके सब में वर्डिंग्स अच्छे हैं है ना, सब में कुछ 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 अलग अलग फ्लो लेके आ रहा है। मैं देख रहा हूँ इसके ये राइम्स खेले, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस गाने में ना इंटरनल राइम स्कीम्स, ये मेटाफर्स, ये सब मत ढूंढो ठीक है। मतलब इसमें नॉर्मल राइम स्कीम पैटर्न चल रहा था, बट अंदर लाइक वो जो बार्स लिखा था ना, वो सुन के इतना मजा आता ना कि भाई उसकी रियल लाइफ स्टोरी जानने में। आजकल तो हिप हॉप सीन मतलब इतना गहरा हो गया ना कि भाई इसने ये नहीं लिख दिया, इसने रेफरेंसेस नहीं दिए, इसने सबलिमिनल नहीं दिए, अभी भूल जाओ। ये सीन मेरे को पसंद आता पता है, जहाँ कुछ कॉम्पिटिशन ही कॉम्पिटिशन मतलब ठीक ठाक, बट मेन खुद को पब्लिक को एंजॉय हो जाए ऐसा गाना देते थे सब लोग, मजा आया हमको। एंड मिस करता हूँ मैं ये सीन। अगर ऐसा कोई गाने तुम्हारे पास और हो MC Stan के, किसी भी आर्टिस्ट के पुराने गाने नए गाने, तो हमको नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं ठीक है। मिलते तुमसे किसी तक किसी और ऐसी रिएक्शन, तब तक स्टे वेयर मस्ट। क्या हुआ इसमें ऐसा था कि एक भी मिनट वो हटना नहीं चाहते हम लोग, इसके एक भी वर्ड से हम लोग हटना नहीं चाहते नजर से, और उसकी वर्डिंग इतने अच्छे गुस्सा देते हमको उसके गाने में। यस एग्जैक्टली, सो यस तब तक बस मिलते हैं तुमसे किसी और अच्छे रिएक्शन, तब तक स्टे सेफ वेयर मास्क टेक केयर एंड टाटा। हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पे लेते, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेबलेट, हल्का समझते अब कहता हूँ चेक में, स्कूल में तालिक तरह बुक थी क्लास में, दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैच में, ढूंकी मिले फ्रॉम द पीपल हु आर फेक, I'm 11 with woman और a snake, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन में किया था बेक।